नोएडा पुलिस के खुलासे से रेप पार्टी मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर रह चुके एल्विश यादव रेप पार्टी मामले में मुसीबत में फंस गए हैं। सोर्स की माने तो एफएसएल की रिपोर्ट में सांपों के जहर की पुष्टि हो गई है। एफएसएल रिपोर्ट में सप्पेरों से बरामद जहर करैत प्रजाति के सांपों के होने की बात कही गई है। बता दें कि पिछले साल 1 नवंबर को पीएफए की शिकायत पर एल्विश यादव सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सोर्स के मुताबिक रेप पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई मामले में नया मोड़ आया है और रेड के दौरान रेप पार्टी से जो नशीले पदार्थ बरामद हुए थे उनमें सांपों के जहर की पुष्टि हुई थी। इसी रेप पार्टी में नोएडा पुलिस ने 5 सपेरों को गिरफ्तार किया था। अब माना जा रहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट से एल्विश यादव की मुसीबत बढ़ सकती है। हालांकि नोएडा पुलिस ने कहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट का पहले अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। गौरतलब है कि पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोप है कि एल्विश यादव ने विदेशी लड़कियों के साथ गैर कानूनी ढंग से रेप पार्टी की थी और इस पार्टी में नशे के लिए कोबरा समेत कई जहरीले सांपों के जहर का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, ये भी आरोप है कि पार्टियों में जहर सप्लाई करने के लिए ये लोग मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस और वन विभाग की टीम ने रेप पार्टी पर रेड मारी और इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। नोएडा पुलिस ने पिछले साल नवंबर में सेक्टर 51 में रेड मारकर इस रेप पार्टी का खुलासा किया था। पुलिस ने रेड के दौरान रेप पार्टी से 9 जहरीले सांप भी बरामद किए थे। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से 20 से 25 ml नशीला जहर भी बरामद हुआ था। बरामद सांपों में 5 कोबरा, 2 मुहे सांप, 1 लाल सांप, 1 अजगर शामिल था। पुलिस ने सेक्टर 51 सैफरन वेडिंग विला में सूचना मिलने पर रेड की थी, जिसके बाद से इस रेप पार्टी का भांडाफोड़ हुआ। वन विभाग ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।